आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों में इस तरह की समस्या बढ़ रही है, और कारण ये कही है कि बच्चों का जो पहले होता था क्या कि बच्चों का जन्म होता था तो जन्म के बाद दादी नानी साथ में रहती थी तो दे यूज टू टेक केयर ऑफ द जेनिटेलिया ऑफ द बेबी, बेबी के जेनिटेलिया केयर करती थी, क्या करती थी कि चमड़ा को खोल के साफ करती थी, उसमें नारियल का तेल लगाती थी, फिर सीधा करती थी जब वो तेल मालिश वगैरह करती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि और सिंगल फैमिली हो गई है, छोटी फैमिली हो गई है, ज्वाइंट तो अब है नहीं, दादा दादी या नाना नानी भी अब साथ नहीं रह पाते हैं, मजबूरियाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि जान के कोई नहीं रखना चाहता है, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि आदमी एक जिसको यूनिटरी फैमिली में रहता है, अब उसमें है कि वो जो बच्ची जिसको बच्चा हुआ है अब उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इस तरह से करना चाहिए, उसकी माँ उसको यदि ट्रेन किए रहेगी तभी वो आगे ट्रेन करेगी, तो वो बेचारी माँ के साथ बच्चा पैदा होने के बाद रही नहीं, ट्रेन नहीं करती तो चमड़ा खोलती नहीं है, साफ करती नहीं है, तो धीरे धीरे मालूम होता है कि ला कि बच्चा ज़्यादातर स्कूल जाते जाते चाहे उसके पहले ही वो चमड़ा सटा रह जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको कहते हैं हम लोग फाइमोसिस वही हो, चमड़ा सटा रह जाता है अग्रभाग में पेनिस के, अब सटा रह जाता है तो चमड़ा हमेशा पेनिस का जो अग्रभाग है उससे हमेशा एक स्राव निकलता है जिससे उजला उजला निकलता है, उसको हम लोग स्मेगमा कहते हैं, वो स्मेगमा रोज निकलता है, रोज यदि चमड़ा हटा के साफ कीजिए रोज हट जाता है, लेकिन चूंकि चमड़ा सटा रहता है अगर भाग में तो स्मेगमा को निकलने का कहीं जगह नहीं मिलता है, बच्चा माँ देख नहीं पा देखती नहीं है, जानती नहीं कि उसको देखना चाहिए, अब वो स्मेगमा धीरे धीरे अंदर जमा रहता है, जमा होने की वजह से वो इरिटेट करता है तो सूजन वहाँ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके बाद तब बच्चा जब चिल्लाता है पेनिस पकड़ के हल्ला करता है तब माँ देखती है अरे बापी तो सूजा हुआ है, हम लोग यहाँ लाती है, बहुत से केस में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग जो है आराम से बैठ के चमड़ा को धीरे 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 सटा हुआ को खोल के हटा के कर देते हैं, माँ देखती है बाप रे इतना गंदा इसमें था उजला उजला, तो हाँ जी तुमने नहीं किया तो हुआ, और उसका साफ उफ कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि बच्चे को जब भी नहवाओ उसके पहले जॉनसन बेबी वॉल लगाओ या चुपचाप नारियल का तेल लगा करके आगे पीछे करते रहो सब ठीक हो जाएगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट समस्या है इसलिए मैंने बताया, कुछ बच्चों को तो फाइमोसिस ऐसा होता है पैदाइशी कि यदि चमड़ा को हालांकि उसको भी धीरे धीरे ससारा जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं कि तो वो बंद हो जाता है और उतरता ही नहीं है, निकलता ही नहीं, वो एकदम जाम कर देता है सामने, जब जाम कर तो उस केस में तो खतना करना पड़ता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, खतना करके उतना सामने अग्रभाग का चमड़ा हटा दिया जाता है, उसका एकदम सब चीज़ ठीक हो जाता है, ये सर्जिकल इलाज हुआ।